अभी मैं उस राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ। हर दूसरे पल मौसम बदलता है और अभी आपको हवा की भी बहुत आवाज आ रही होगी, आप लोग समझ पा रहे होंगे कितनी हवा चल रही है। कुछ आपसे शेयर किया है इसलिए मैं ये सब चीजें भी आप लोगों से शेयर करूंगी। बीच में तो जब थोड़ी तबीयत ऐसी गड़बड़ हो गई थी तो उसकी वजह से मैं तो कुछ ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी, मयंक थोड़े काम कर रहे थे। अच्छा डिसीजन रहा मेरा कि मैं जैकेट भी चेंज करके आ गई क्योंकि बहुत हवा है भयंकर वाली। शाम से मौसम बहुत ठंडा हो गया था और अभी यहाँ पर स्नो गिरने लगी है। यह बाहर का नजारा, अभी भी हवा चल रही है। मैंने थोड़ी सी खिड़की खोली आप लोगों को दिखाने के लिए और इधर पूरा वायु। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बहुत दिन बाद ऐसे व्लॉग करते हुए दिख रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन मैंने आप लोग को बताया था थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, तो वो सब भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया है और वैसे भी बिना व्लॉग करे ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, मैं बार बार ऐसे व्लॉग करती हूँ, डेली डेली अपडेट्स आप लोग को कैनेडा की बताती हूँ, तो मेरे को लगा थोड़ा सा मैं पीछे चल रही हूँ। और एक अचानक में जो डेली रूटीन था ना उससे मैं थोड़ा अलग भी जा रही थी, तो मुझे लग रहा था यार आज कुछ तो मिसिंग है। रात में जनरली जैसा होता है व्लॉग बनाने के बाद, फिर मैं एडिट करती हूँ, रात में अपलोड कर देती हूँ, तो जब मैं रात में सोने से पहले कहती थी, मैं कहती कुछ तो काम मिसिंग है, कुछ तो काम मिसिंग है, तो वो ये काम मिसिंग था। तो ऐसे 4 से 5 दिन होने वाले हैं लगभग जो मैंने व्लॉग नहीं किया था और उसका भी काफ़ी मेजर रीज़न था और वो मैं आगे वीडियो में, मतलब अलग से वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं उस राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि मैं आपको डिटेल में बता पाऊँ क्योंकि देखो पहली बात तो मैंने हर कुछ आपसे शेयर किया है इसलिए मैं ये सब चीज़ें भी आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, 3-4 वीडियोज़ या 3-4 दिन बाद मैं आप लोग के लिए डिटेल में आपको बताऊँगी। बहुत सी कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ पाया था और कनाडा में अगर इस तरीके की इमरजेंसी कभी किसी के साथ हो तो उसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, और थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए बस। लेकिन आज का अपडेट मैं आपको बता देती हूँ, 2-3 दिन बीच में मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट किया है और अभी आप मुझे इस व्लॉग में देख रहे हैं, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, फाइन हूँ एकदम, हम लोग घर में एकदम सुरक्षित है और जो भी थोड़े हेल्थ से रिलेटेड ऊपर नीचे जो अप्स एंड डाउन हुए थे वो सब एकदम सॉर्ट हो गए हैं, सब बैलेंस आउट है सब कुछ आसपास। स्वरी अभी स्कूल गई हुई है और मैं एक्चुअली सबके, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे, गेट वेल सून, मिस यू, टेक केयर, तो आप सबके मैसेजेस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने ज़रा एक भी मैसेज किया ना मुझे, वो मुझे लगा हाँ चलो कोई फैमिली है जिसको मेरा ख्याल है, थोड़ा सा लगता है ना कि चलो मैसेज आया या किसी का कमेंट आता है तो मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई किया, मैंने थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दुबई कनेक्ट से रिलेटेड जो भी मेरा प्रोसेस रहा था और कैसे हम लोगों ने बुकिंग किया था। एक्चुअली क्या होता है ना, हमेशा ऐसा होता है कि ये सारा काम मयंक देखते हैं और फिर उसके बाद में जब मुझे थोड़ा बहुत अपडेट होता है, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दो जो आधी अधूरी हो, तो मैं तब से मैंने इनको बोला हुआ है कि थोड़ा सा मेरे साथ बैठो, अगर मेरे कुछ क्वेश्चन, कुछ चीज़ मैं अगर मिस कर रही होंगी तो मैं आप मुझे बता पाओगे, कि कई बार ऐसा होता है ना जब बताने बैठते हैं तो एक चीज़ दिमाग में आई, ठीक है ये ऐसे ये स्टेप्स थे, आप ऐसे ऐसे कीजिए तो आपको ईजी हो जाएगा, ये सब जिसने किया है वो साथ में रहेगा तो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहेगा। इस वजह से मैं वेट कर रही हूँ कि मयंक थोड़ा सा बैठेंगे, इत्मीनान से मेरे साथ वीडियो बनाएंगे, तो डिटेल में आप लोग को डिस्कस करके बताऊँगी और इसी वजह से थोड़ा सा वो वीडियो डिले हो रही है, लेकिन मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और मयंक को साथ में ट्राई करूंगी जरूर से वो बैठे मेरे साथ और मेरे साथ ये कंटिन्यू वीडियो बनाए। तो अभी मैं जा रही हूं, थोड़ा मुझे सामान थोड़ा एडजस्ट करना है वो कर रही हूँ और खाना वगैरह भी मैं बनाऊंगी आज। मैंने सोचा बीटरूट के पराठे बना लिए जाए, रखी हुई थी तो उसको अच्छे से मिक्सी करके और फिर उसके आराम से फिर मैं पराठा वगैरह बनाऊंगी। स्वदी स्कूल गई हुई है, वो आएगी 2-2.5 बजे तक और मौसम भी मैं आज आपको दिखा देती हूँ बहुत दिन बाद कनाडा का कैसा मौसम है। लेकिन लकीली यहाँ पे जो टेम्परेचर अभी जो चल रहा है फरवरी में, जो कि जनरली नहीं होता है, मार्च तक भयंकर ठंडा, पिछली बार तो फरवरी में भी भयंकर वाली स्नो गिरी थी, लेकिन लकीली इस बार ठंड नहीं पड़ रही है, 12-13 टेम्परेचर के आसपास टेम्परेचर रह रहा है। तो आप लोग मेरे वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए। ये देखो मस्त बन चुका है लाल लाल पराठे, ये भी देखो ये गया एक पराठा, ये यार इतने टेस्टी लगते हैं, हल्का सा इसमें अजवाइन डाल के, लाल मिर्च डाल के, नमक डाल के और आटे में इसको बीटरूट को मिक्स करके, मतलब मिक्सी करके और उसका आटा मल लिया और इतने अच्छे पराठे बने हैं। मतलब पहले वैसे तो मुझे बीटरूट सलाद वलाद में अच्छे लगते, देखो कितने सॉफ्ट,
एकदम बहुत सॉफ्ट पराठे बनते हैं, ना मैंने इसमें कुछ ऑयल मिलाया है ना कुछ, एकदम देखो कितना आराम से वो हो जा रहा है। बहुत सही पराठे हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और बीटरूट से और क्या क्या रेसिपीज आप लोग बनाते हैं वो मुझे कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा। खाना मेरा रेडी हो गया है, मैं अभी गई थी जस्ट नीचे, सोचा स्वती को लेके आ जाती हूँ, लेकिन मैं बिल्डिंग से जैसे ही बाहर निकली हूँ इतनी ज़ोर से हवा चल रही है, ठंडा नहीं है, टेम्परेचर 12 या 13 है बट हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। और मैंने सोचा कि ठीक है आज तो टेम्परेचर ठीक है तो कैप नहीं लगा जाती, बट अभी मैं कैप लेने ऊपर आई हूँ वापस। अच्छा डिसीज़न रहा मेरा कि मैं जैकेट भी चेंज करके आ रही हूँ, क्योंकि बहुत हवा है भयंकर वाली और मुझसे अभी आँखें भी नहीं खोली जा रही है, सच बताऊँ अभी आँखें भी निकली जा रही हैं और मेरा वेट घर की तरफ जाया जा रहा है, सच बता रही हूँ। बहुत तेज़ हवा चल रही है, मुझे लगता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगी, देख के बताती हूँ कितना है। अभी स्वाति को लेने जा रही हूँ, मैं कैप चेंज करने गई थी बट मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने कहा भाई ये लंबी जैकेट है इसी को पहन जाती हूँ, थोड़ी बहुत भी हवा लगी तो दिक्कत आ जाएगी। और अभी तो वैसे भी 2:30 बज रहा है, आगे मौसम कैसा रहने वाला है, धूप तो सुबह निकली थी और उसके बाद में बिल्कुल मौसम ठीक नहीं है, ऐसी हवा चल रही है। आसवदी को मैं वॉकर में मतलब स्ट्रॉलर में नहीं ले गई थी, आज उसको वॉक करा के लेके गई थी, क्योंकि अभी वो ना नाटक करती है बहुत ज़्यादा, स्ट्रॉलर में यहाँ लेके चलो वहाँ लेके चलो इसकी वजह से, तो मैंने सोचा चलो तुम वॉक करके ही चलो, तो दैट्स ऑल, इसी वजह से मैं उसको वॉक करा के लेके गई हूँ। बहुत ठंडी हवा चल रही है, क्या हाल हो रहा है, लेके आ जाती हूँ पहले मैं उसके बाद उसको दिखाती हूँ कैसी लग रही है। ओह माय गॉड देखो उसको, रुको स्टॉप स्टॉप स्टॉप, इसको पूरा ऐसे कवर करके ले जाना पड़ता है मैडम को। ओह इतनी हवा चल रही है भैया, जल्दी आओ, चलो चलो चलो, ओह माय हैंड, ओह माय हैंड, कम ऑन, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो भैया, बहुत हवा है। लेने आ रहे थे और छोड़ने भी आ रहे थे और मैडम को आज लेने आई हूँ, और आज ये मौसम ऐसा है, सुबह ठीक था शाम में भयंकर बुला हाल। सुबह मैं दूसरी वाली जैकेट पहन के आई थी और अभी मुझे ये वाला पहन के आना पड़ा है, मोटी एकदम, हवा बहुत भयंकर है। ये देखो ये कहाँ जा रहा है, उड़ के आँखें खोलना भी मुश्किल हो जाता है, इसको जल्दी से घर लेके जाती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे ना इसी तरीके का मौसम हो जाता है एकदम, स्पेशली अगर टोरंटो में रह रहे हैं तो हर दूसरे पल मौसम बदलता है। और अभी आपको हवा की भी बहुत आवाज़ आ रही होगी, आप लोग समझ पा रहे होंगे कितनी हवा चल रही है, पूरा रिकॉर्ड हो रहा होगा हवा में, जो स्पीड से हवा है सच में चेहरे पे लग रही है। अब मैं घर पहुंचती हूँ उसके बाद बात करती हूँ। पूरा चेहरा नाक लाल हो गई ठंड की वजह से, बुरा हाल है सच बताऊँ, मैं डूज गई, बहुत हवा चल रही थी यार, इतनी भयंकर, स्वाती बेचारी जो पकड़ अगर हाथ पकड़ू उसका तो इधर उधर भागे जाए। सदु को भी देख लो, सदु रेड हो गई पूरी नोज, चलो Let's go. This way. Oh, आगे बढ़ी और मैं go. चलो। अरे बुरा हाल है, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट में शेयर करूंगी भाई फील्स लाइक कैसा था टेम्परेचर, भयंकर। जिस दिन हवा चलती है उस दिन तो बैंड बज जाती है। ये एक्चुअली कुछ पुरानी ना एक रील थी मेरे पास, ठीक है, तो उसका वो मैं ऐसे ऐसे ऊपर कर, हम तो ऐसे, जिसने नहीं देखी है मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, हम लोगों ने जो शादी मेरे भाई की हुई थी तो बहुत सारी मतलब ज़्यादा तो नहीं रील बनाई लेकिन जो भी बनाई बड़ी मस्त बनी थी, तो उसमें तैयार होके हम सारी कज़न बहनें, हम तीनों बहनों ने ना बड़ी अच्छी सी रील बनाई, तो वो मैं वो देखने लगी अभी इंस्टाग्राम पे, तो उसको याद आ गई तो तुरंत गाने लगी। सदी क्या कैसे गाया था सिंगिंग, कुछ कुछ चीजें इसकी ऐसी होती है ना जो सच में बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो मोमेंट मिस मत करो।
रिकॉर्ड कर लो। हाँ ऐसे है भैया, हम तो ऐसे ही है भैया। बज रहा है रात का 9:30 और मतलब मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। लेकिन जैसा मैं आपको सुबह बोल रही थी कि यहाँ हर 2 घंटे में या पूरे दिन में मौसम 10 बार बदलता है, वो चीज़ मैं भी आपको बता देती हूँ। क्योंकि अभी सुबह मौसम बहुत ठंडा हो रहा था, सुबह धूप निकली थी, फिर ठंडक के मारे एकदम हवा चलने लगी, शाम से मौसम बहुत ठंडा हो गया था और अभी यहाँ पर स्नो गिरने लगी है। अभी तो बंद है लेकिन 1 घंटे के अंदर हल्की हल्की स्नो गिर रही थी तो पूरा बाहर वाइट हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो ये है बाहर का नज़ारा। अभी भी हवा चल रही है, मैंने थोड़ी सी खिड़की खोली आप लोगों को दिखाने के लिए और इधर पूरा वाइट हो गया है। हालांकि ज़्यादा नहीं है स्नो। यस बेबी इट्स अ स्नो। वाओ, अब कल जब स्कूल जाएंगे छोड़ने के लिए मैडम को, तब देखते हैं क्या बाहर का नज़ारा है। It's a school. हाँ, उसको यहीं से दिख रहा है, सब school, पता है उसको स्कूल है। हाँ चलो ठीक है, जय जय को सुनाए जल्दी से और फिर सोई सोई करे। तो अभी मैं वापस से वही सेम ट्रैक पर आने का ट्राई कर रही हूँ, तो इसीलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आने वाली हूँ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दिस वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।